वेलकम बैक। आप लोग कहते हैं कि हर टाइम मैं वॉशरूम में रहती हूँ, एक्चुअली कहाँ मैं वॉशरूम में ही करने लगी हूँ, क्योंकि मैं करने लगी हूँ डाई। तो मैंने सोचा यहाँ पे ही डाई करके जाती हूँ, क्योंकि पंजाब में तो बहुत बहुत ज़्यादा ठंड है, एक्सट्रीम किस्म की। तो मुझे वहाँ पे जाकर डाई नहीं करना, तो सोच रही हूँ यहीं से करके जाऊँ। यहाँ पर ठंड नहीं फील नहीं होगा, मैं आराम से 30 से 40 मिनट बैठ के वेट कर सकती हूँ। तो इस दफ़ा मैं जो यूज़ करने लगी हूँ एश ब्लॉन्ड लॉरियल का, ये ट्राई करने, काफ़ी टाइम बाद मैं लॉरियल का यूज़ करने लगी हूँ। और ये है एक्सीलेंस वाला जो क्लासिक है, उनमें वो अमोनिया नहीं होता, वो ज़्यादा रंग नहीं, ज़्यादा देर तक नहीं चलता, और ये अमोनिया वाला है। तो और ये उसका है, और ये है साथ शैम्पू, और ये है कलरिंग क्रीम है, और फिर ये क्या है, मुझे लगा ये है क्रीम, ये नरिशिंग मास्क है। ओके तो ठीक है, अब इसको बनाते हैं और मैं आपको फिर रिजल्ट दिखाऊंगी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ये सेट किया है, तो अब जो है हम इसको बनाते हैं। पहले ग्लव्स निकाल लें, ग्लव्स निकाल लें, रिंग शिंग उतार लें। सबसे पहले इसको बना लेते हैं, फिर ग्लव्स पहनती हूँ। ये है डेवलपर, इसके अंदर हमने ये पूरी क्रीम डालनी है। मेरी शक्ल बहुत से लग रहा हुआ आप लोगों को, काफ़ी थकी हुई एक्चुअली जब से आई, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। ट्राई करती हूँ सोने की, लेकिन सोया नहीं जाता। ओके तो इतनी मुश्किल से मैंने फोन सेट किया है, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई ट्राईपॉड नहीं लेके आई। सो ग्लास मैंने पहने हैं, ये तो से आ रहा है। अब हम पार्टीशन करके जहाँ जहाँ हमारे ग्रे हेयर्स हैं, ग्रे हेयर्स काफ़ी आते हैं, और जहाँ पे हमारे बालों का कलर उतरा हुआ है, न्यू बाल आए हुए हैं, उनको सबसे पहले हमें फोकस करना है। तो मैं अपना फ्रंट कवर करूँगी पहले। वैसे मैंने डाई किया, आपको पहले भी वीडियो बनाई है, इसलिए मैं थोड़ा बाकी जो आपको रिजल्ट बाद में दिखाऊँगी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँगी कि मैंने कैसे, मैं पूरी डिटेल वीडियो बताई है, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँगी कि मैं कैसे करती हूँ डाई। जैसे मैंने बताया कि यहाँ से जहाँ से मुझे बाल नए आ जाते हैं, ग्रो किए होते हैं, और जहाँ से ग्रे हेयर्स आ रहे होते हैं, रूट्स जो हैं वो ब्लैक होती हैं, तो वहाँ पे मैं करती हूँ। फिर जो नीचे है वहाँ पे मैं थोड़े टाइम के लिए लगाती हूँ, बहुत कम टाइम के लिए, लाइक 15 मिनट्स। ऊपर जो है पूरे 40 मिनट्स, वो ऐसे कि मैं पहले 20 मिनट्स तक यहाँ लगाए रखूँगी, फिर एंड के जो 15 मिनट्स हो गए ना, फिर मैं यहाँ पर लगा लूँगी, फिर ओवर करके फिर इसको बाइंड कर लेंगे, उसके बाद हम शॉर कैप कर लेंगे। लिटरली अनबिलीवेबल, मैंने ग्रीन टी इनसे मंगवाई, इनके पास एक तो सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा होटल है, इतने ज़्यादा चार्ज करते हैं, फिर इनके पास कोई कैटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब इंसान अगर चाय पीनी हो, टी हर जगह मैंने कॉम्प्लीमेंट्री, मैंने जितने भी 5 स्टार होटल में स्टे किया ना, कॉम्प्लीमेंट्री होती, इवन 4 स्टार होटल्स में भी, तो ये इतना चार्ज करें उन्होंने, एक कैटल तक नहीं रखी हुई। टी रखना तो दूर की बात, कॉफ़ी टी कुछ भी नहीं कैटल में। फिर मैंने इनसे ग्रीन टी के 2 कप मंगवाए, और इन्होंने सीरियसली 800+ टैक्स, इन्होंने समझे 900 ऑलमोस्ट 1000 लगा लेंगे इसके ग्रीन टी के 2 कप दिए। ओह माय गॉड, इतना ओवर चार्ज्ड, बहुत ही बुरा स्टाफ है, फ़ोन नहीं उठाते। चार चार बार मुझे फ़ोन करना पड़ता है, बहुत देर बाद एक कॉल उठाते हैं, फिर एक को फ़ोन करो, अभी दूसरा कहते हैं रूम सर्विस में फ़ोन करो, रूम सर्विस को करो, मैनेजमेंट में फ़ोन करें, मैनेजमेंट कहती है हाउसकीपिंग को फ़ोन करें, मतलब ना ये डिलीवरी पकड़ के लाते हैं। बहुत बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं कभी भी ये होटल किसी के लिए रिकमेंड नहीं करूँगी। ये जो रीजेंट प्लाजा है, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है, सीरियसली। जी अल्लाह हाफिज़, अब जो है मैं सोने लगी हूँ, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।